हेलो दोस्तों, अपनी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। रसम राइस बना रहा हूँ आज। अगर सब्जियाँ खा के आप बोर हो चुके होंगे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर लेना। ऊपर से घी और साथ में प्याज और अचार, बहुत डिलीशियस लगती है ये रेसिपी और 10 मिनट में बन जाती है। रसम राइस कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक बाउल में 250 ग्राम चावल ऐड कर दीजिए और साथ ही में 200 ग्राम तुअर दाल ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है ताकि जो गंदगी है वो निकल जाए। अब इसे आधा घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दीजिए। साथ ही में मैंने 5 से 6 इमली के टुकड़े लिए हैं, इसमें भी पानी ऐड कर लीजिए और इसे आधा घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दीजिए। आधा घंटे के बाद एक प्रेशर कुकर लीजिए और उसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दीजिए और साथ ही में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून राई ऐड कर दीजिए। जब यह अच्छे से भून जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च, 7 से 8 करी पत्ता, 6 से 7 काली मिरी, 1 छोटा कटा हुआ प्याज और 1 छोटा कटा हुआ टमाटर ऐड कर दीजिए। अब इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। जब यह अच्छे से भून जाए तब इसमें हमें मसाले ऐड करने हैं। मसाले ऐड करने से पहले गैस का फ्लेम लो होना चाहिए ताकि मसाले जले ना। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चुटकी भर हींग, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सांभर मसाला और स्वादानुसार नमक ऐड कर दीजिए। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे आधा मिनट के लिए भून लीजिए। मसाले अच्छे से भुनने के बाद जो हमने राइस और तुअर दाल सोक करने के लिए रख दिया था वो ऐड कर दीजिए। अब जिस कटोरी से हमने चावल ऐड किए थे उसी कटोरी से 2 से 3 गुना हमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमें कुकर का ढक्कन लगा के 3 सीटी देकर हमें इसे पकाना है। 3 सीटी होने के बाद कुकर का ढक्कन इमीजिएटली ओपन मत कीजिए, 10 मिनट का रेस्ट दीजिए, उसके बाद ही ढक्कन को ओपन कीजिए। 10 मिनट बाद सीटी को ऊपर करके बचे हुए स्टीम को रिलीज़ कीजिए और ढक्कन को ओपन कर दीजिए और इसमें ढेर सारा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए और साथ ही में जो हमने इमली का पानी सोख होने के लिए रख दिया था उसे एक छन्नी के ज़रिए ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारा डिलीशियस सा रसम राइस रेडी है। इसे एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। सो देखा आपने कितना आसान है ये रसम राइस बनाना। साथ में अचार और प्याज का जो कॉम्बिनेशन बनता है बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर देना ताकि जो मेरे आने वाली रेसिपी है वो आप लोग देख सको। मिलते हैं अगले एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए और कुछ ना कुछ बनाते रहिए। थैंक यू।